अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम शर्जील साहब। ओ कैसे हो बेटा? मैं ठीक हूँ। और अब्बा कैसे हैं तुम्हारे? बस बेहतर हैं। शुक्र, अल्लाह उन्हें शफा अता फरमाए। आमीन। शर्जील साहब, मैंने कल मिलना था आपसे, टाइम लेना चाह रहा था ऑफिस में। अरे खुश आमदीद, लेकिन इसमें वक्त लेने की क्या जरूरत पेश आ गई भाई? तुम्हारा अपना दफ्तर है, जब चाहे आ जाओ। सर मैं तो दफ्तर का एक मुलाजिम हूं, बल्कि था। आपका वक्त कीमती है, इसलिए मैं डिस्टर्ब नहीं करना चाह रहा। भैया तुम किस किस्म की बातें कर रहे हो? आज तुम्हारी गुफ्तगु में एक अजनबियत की झलक है। क्या सोच रहे हो मियां? सर मैं नौकरी छोड़ना चाह रहा हूं। मतलब? रिजाइन करना चाह रहा हूं। तुम अच्छी तरह सोचकर ये कदम उठा रहे हो? इन हालात में मुझे जो समझ में आ रहा है मैं वही करने जा रहा हूं। सर मैं इसलिए आपसे मिलना चाह रहा था दफ्तर में, वहीं तफसील से बात होगी। ठीक है बेटा, हम सुबह ही से तुम्हारे मुंतजर होंगे। मैं तकरीबन 11 बजे तक आपके पास पहुंच जाऊंगा। बेटा जिस तरह तुम्हें आसानी है, हमारी तो यही दुआ है हमेशा से कि तुम्हारे लिए अल्लाह आसानियां पैदा करे और मुश्किलात के भंवर से तुम्हें आजाद करे। आजादी ही ढूंढ रहा हूं मैं आप। शुक्रिया शर्जील साहब, कल मुलाकात होती। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। तू नौकरी छोड़ आया सर? क्यों? अब्बा देख बेटा, तू पहले ही दफ्तर नहीं जाता, उन्होंने कभी कुछ नहीं कहा तुझे। अब जेबा भी नहीं है और तू भी छोड़ देगा तो कौन देखेगा ये सब? अब्बा सब कुछ हमेशा शर्जील साहब ही देखते आए, आजकल भी शर्जील साहब ही देख रहे हैं। मुझे आपको और अपने आप को देखना है।